खबरों में हदम सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने जिला मुख्यालय पर जमकर किया हंगामा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन और मंडला के सांसद एवं मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बंगले का घेराव करना चाहते थे, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए। गिरते पानी पर घंटों बैगा बैगी चौक पर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। स्टूडेंट यूनियन की मांग थी कि हम अपना ज्ञापन जिला कलेक्टर को ही सौंपेंगे। इनका ज्ञापन लेने के लिए एडीएम मैडम मीना मसराम मौके पर पहुंची, मगर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने ज्ञापन देने से साफ इनकार कर दिया और उग्र आंदोलन करने लगे, जिसको लेकर वाटर कैनन का उपयोग किया गया। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कॉलेज जो है हमारा एक ही कॉलेज है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉलेज है ना महाविद्यालय, सभी को ज्ञात है कि यहाँ जो है एलएलबी 2017-18 से जो है बंद कर दिया गया था और समाजशास्त्र जो है जो एमए का एक पाठ्यक्रम है उसके लिए और साथ में जो है हॉस्टल के लिए और जो कॉलेज का जो ज़मीन है जो परिसर एरिया है उसकी जो सीमांकन के लिए हम लगातार 4 सालों तक मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है और हमारे जो माननीय सांसद महोदय जो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनको भी बार बार हमने अवगत कराया लेकिन वो हमारी मांगों को जो है अनसुना करते रहे, इसलिए जो है हम लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि कलेक्टर मैडम जो है यहाँ पर आके हमारा ज्ञापन ले, क्योंकि हम लगातार जो है 15 से 20 ज्ञापन दे चुके हैं उनके बंगले में जाके, मतलब कलेक्टर कार्यालय में जाके हमने लगातार दे चुके हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ जो दिल्ली तक जाएगा और उच्च शिक्षा विभाग तक जाए और हमारे जो बच्चे हैं जो ये मंडला जिला का लगभग यहाँ की जनसंख्या जो है 10 लाख से ऊपर है, तो ये 5,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं और लगातार जो है एलएलबी जैसे जो प्रोफेशनल इस सब्जेक्ट है उससे जो वंचित है और उनका जो इतना 4 साल तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं प्रशासन से और राज्य सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो भरपाई जल्द से जल्द अगर नहीं करेंगे तो हम सांसद घेराव भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindia.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।